ये जो भारत सरकार का उपक्रम है नाफेड, ये सरकार ने ये निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से दालों की कीमतें आसमान छू रही है, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए जहां बाजार में 80-85 रुपए की एक किलो दाल मिलती है, चने की दाल, तो ये पार्टी, ये अपने भारत सरकार ने तय किया है कि ये सस्ती दरों पर 60 रुपए किलो में और ये दालें वितरित की जाए। और इसकी शुरुआत हमारे जयपुर शहर में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से हुई है और 2000 किलो दाल हम प्रतिदिन कल ये जनता को बांटते हैं। कब तक चलेगा सर ये? जब तक लोगों को मिलेगी तब तक चलेगी। कम भर रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को? देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं है, हम तो उनका स्वागत करते हैं और वो जितनी जगह जाएंगे वहाँ हमारी सीटें जितनी आ रही है उससे ज़्यादा भर जाएगी। 25 को मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी तो विश्वविख्यात नेता है, जननायक है, और वो यहाँ आ रहे हैं, वो जीत का मंत्र देंगे और 150 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कल उपासना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी बड़ा चेहरा है, प्रताप सिंह जी ने भी कहा कि बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी दरकिनार कर रही है, क्या लगता है? उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारी पार्टी का ये आंतरिक मामला, हम जाने, हमारे नेता जाने, उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि परिवर्तन यात्राओं में भैया उठता, देखिए अब वो विपक्ष है तो वो कोई हमें लक्ष्य थोड़ी देंगे, वो आरोप भी लगाएंगे, लगाने दो। पर ये मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जनता ने मानस बना लिया है और 150 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग जीते। इस बार भी वसुंधरा जी चेहरा होंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है उनके पक्ष में है। ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा, मैं तय करने वाला नहीं हूँ, ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा मैं। लेकिन आरोप जिस तरह के लग रहे हैं कांग्रेस, फिर वही बात, पहले कांग्रेस जी तो आरोप लगाएंगे, उनका काम ही आरोप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी नाराज है बोल रही है। कोई नाराज नहीं, कितने का नाराज है? अगर चेहरा बनती है वसुंधरा जी, अरे भाई कोई अपनी अपनी कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा आला कमान तय करेगा, तो निश्चित रूप से जो आला कमान तय करेगा उसके हिसाब से पार्टी। आला कमान अगर तय कर दे, उन्हें चेहरा बनाता है, 25 को संकेत मिल जाए, बात है, स्वागत है। आला कमान यदि वसुंधरा जी को चेहरा बनाता है, इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है? सीटों में इजाफा होगा, कितनी सीट और बढ़ सकती है? मैंने कहा 150 सीट का हमारा लक्ष्य है, 150 सीटें आई, लेकिन वसुंधरा जी आती है तो और बढ़े। भैया वसुंधरा जी कोई बात नहीं, ये आला कमान तय करेगा, एक बार बार ये मत पूछो आपको। यार बार बार मैं वसुंधरा जी।